अब खबर उत्तराखंड के काला ढोंगी से है, जहां पर कोरोना महामारी के इस दुखद समय में लोग कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में काला ढोंगी के चकलूबा निवासी बीना पंत ने एक सैनिटाइजर मशीन बनाई है और इस मशीन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे एक व्यक्ति के बाद कुछ समय रुककर अगले व्यक्ति को सैनिटाइज किया जा सकता है। इसके साथ साथ बीना पंत सौर ऊर्जा का काम करती हैं। बीना पंत ने बताया कि मशीन को अस्पताल, बैंक, विद्यालय, सरकारी दफ्तर आदि जगहों पर सरकार की मदद से लगाया जा सकता है और सैनिटाइजर मशीन द्वारा कोरोना संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। बीना पंत ने बताया कि सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन को बनाने में करीब 15,000 से 18,000 रुपये की लागत से ये तैयार हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीना पंत ने बताया कि मौजूदा समय की यथास्थिति को देखते हुए सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन की सख्त आवश्यकता है। मशीन को बनाने का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकना है, जिसे काला ढोंगी के साथ साथ पूरा उत्तराखंड और भारत देश इस बीमारी से दूर रह सके। हमारा जो उद्देश्य है, हमारे यहाँ पे जो अभी डिजीज फैल रही है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। और नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आत्मनिर्भरता, उसको मेनली हम लोगों ने अपना बेस बना के सेल्फली एक प्रोडक्ट ऐसा इन्वेंट करा है, जिसका काम है आदमी को सैनिटाइज करना। जैसे सैनिटाइज करने के लिए आदमी कर रहा है, अभी भी सैनिटाइज लोग हो रहे हैं, लेकिन बॉटल से, स्प्रे बॉटल से, इस तरीके से कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो इन्फेक्शन फैल रहा है। आप बॉटल को एक आदमी यूज़ कर रहा है, फिर उसी को दूसरा आदमी यूज़ कर रहा है, जिससे कि इन्फेक्शन फैल रहा है, प्रॉपरली रुक नहीं रहा है। तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये मशीन का इन्वेंशन किया। इसके थ्रू आप अगर उस चीज़ को सैनिटाइजर, आपको ज़रूरत पड़ती है सैनिटाइज़र की, तो आप केवल उसके सेंसर के नीचे हाथ रख के, जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक मशीन है, उसके नीचे हाथ रखते ही आपको सैनिटाइज़र अवेलेबल हो जाता है, जिससे आपको किसी को छूना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ख्याल रखा गया है, किसी चीज़ को, किसी पार्ट को नहीं छूने से इस डिजीज़ के फैलने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो 75% कम हो जाती हैं। इस लोगों का ये कहना है कि इस मशीन को भीड़भाड़ वाले एरिया में, जैसे बैंक में है, बहुत सारे लोग आते हैं, और एक ही जगह पे इतने सारे लोगों के आने की वजह से वायरस का फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हर आदमी को ये सैनिटाइज करने के लिए एक आदमी अगर खड़ा रहे तो मैन पावर की नीड बढ़ती है, जिससे जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा। उसकी जगह ये मशीन काम कर सकती है। इसको अगर बैंक में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इन सब जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाए तो बहुत अच्छे से इससे वायरस के फैलने से बचा जा सकता है, मैन पावर का भी यूज़ जो है वो कम हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि सरकार से हमें कुछ मदद मिले, जिससे कि सरकार तक ये चीज़ पहुँचे, आपके चैनल के थ्रू या फिर और भी तरीके से हम सरकार तक ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सेल्फली भी मार्केट में जाके इस चीज़ का व्यापक प्रचार कर रहे हैं कि इन सब जगह पर इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकें।